मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शे। आज सड़क पर ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई और जल्दबाजी में घर पर फोन भी नहीं किया कि मैं ऑफिस पहुंच गई हूं। घर वाले इसी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो गए, वजह आप सब समझ ही गए होंगे। रोज सड़क पर कोई न कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। आज का विषय भी यही है कि सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट से क्या हम बच सकते हैं। तो शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। तो हम अपने कॉलर से बात करें, उससे पहले हम गुरुजी से चर्चा शुरू करते हैं। गुरुजी अनहोनी को तो कोई नहीं जानता है, है ना, कहते हैं कि सब भगवान के हाथ में है, जो भी आपकी कुंडली में लिखा है होना है। लेकिन क्या ऐसे कोई लक्षण होते हैं कि हम पहचान सके कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट अनहोनी होने वाली है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पहले ही जान सकते हैं कि हाँ एक्सीडेंट की संभावना है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अगर अपने घर के बाहर कुत्ता या बिल्ली जब रोते हुए हम सुनते हैं तो ये भी एक दुर्भाग्य का संकेत होता है जो आपको पहले अलर्ट कर रहा होता है कि हाँ कुछ बुरा हो सकता है। अगर दूध हर रोज उबलने लग जाए, यानी दो तीन दिन लगातार उबल करके चूल्हे के ऊपर पड़ने लग जाए, तो ये भी दुर्भाग्य का संकेत होता है और इसके अंदर भी नुकसान के योग बनते हैं जिसमें कि वाकई में वाहन के अंदर चोट लगने का खतरा होता है। घर के अंदर नालियों का जाम होना, टॉयलेट पॉट का जाम होना, ये भी एक संकेत होता है कि संभल के रहो, इस समय के अंदर वाकई में कोई ना कोई कुदरती आघात पड़ सकता है आपके ऊपर या अचानक एक्सीडेंट के हालात पैदा हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे घर की जो सीढ़ी है अगर वो लकड़ी की है या लोहे की है, अगर उनका डंडा टूटने लग जाए, ठीक है, या फिर अगर आपने पत्थर की या सीमेंट की भी बना रखी है, उनके अंदर से जब वो एक सीमेंट पूरे का पूरा उखड़ करके निकलने लग जाए तो वो भी एक संकेत होता है कि ये समय बुरा चल रहा है और इसके अंदर कुछ ना कुछ खराब हालात हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, अगर आप अपने घर को रिपेयर करवा रहे हो, खासतौर पे टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श या घर का छज्जा, अगर ये रिपेयर करवा रहे हो, इन दिनों में हम एक तरह का राहु को छेड़ रहे होते हैं और उन दिनों के अंदर ज्यादा संभावना रहती है कि अचानक कोई बड़ी मुसीबत हम पे आ जाए। इसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, लेकिन एक्सीडेंट का खास तौर पे इसके अंदर खतरा रहता है। इसीलिए बेटा जब जब भी ये सिम्टम्स आपको नजर आए या जब भी आप घर से बाहर निकलें और दो तीन दिन लगातार जैसे ही आप घर से बाहर निकलें सामने आपको बहुत सारी लकड़ियां किसी भी वाहन के ऊपर या रिक्शे के ऊपर लदी हुई नजर आए और वो आपके आगे आगे जा रही हो, तो तब भी आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अभी एक्सीडेंट होने के हालात पैदा हुए। तो गुरु जी ने हमें ये तो बता दिया है कि अगर आपके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, आपके आसपास ऐसा क्या घटता है जिससे आप पहचान सके कि कहीं आपके साथ भी एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला। चलिए अब इसके उपाय जान लेते हैं। गुरु जी उपाय क्या कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी अनहोनी हो ना? बेटा सबसे उत्तम रास्ता, ये जितने मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये सारे पापी ग्रहों के सिम्टम्स हैं और पापी ग्रह जब अपनी कुंडली के अंदर आकर के जोर देने लगते हैं तो तब हालात खराब होते हैं। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि हर शनिवार को उड़द साबुत है, उड़द साबुत की पीठी की पकौड़ियां सरसों के तेल में तल करके ये कौओं को खिलाना, समझे, कुत्तों को भी डाल सकते हो या भैंसे को खिलाना, समझे, अगर ये खिलाते हो तो बेटा एक्सीडेंट के योग बनते हैं। उसी के साथ में अपने घर पर रखी हुई जितनी भी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और साथ ही हर शनिवार को ही जब ये पकौड़ी खिलाओगे साथ ही थोड़ा सा सरसों के तेल का दान देना। और बुधवार के दिन अगर हो सके बेटा या तो आम गरीबों के अंदर बांटे और या फिर इसके अंदर जो मक्का का दाना है बेटा, ये मक्का का दाना आप पक्षियों को जरूर डालते रहे। इतना काम करने से एक्सीडेंट के ये पापी ग्रहों के द्वारा दिए हुए जो योग है इनको टाला जा सकता है। लेकिन इसके बाद बेटा एक और योग शुरू होता है और वो है
कि जो सौम्य और अच्छे ग्रह हैं वो वाले और गर्म ग्रह अलग है जो कि एक्सीडेंट के योग देते हैं। इनके मैं सिम्टम्स बता देता हूं। जैसे गाड़ी आप लेकर के निकले लेकिन आए दिन आपने नई गाड़ी ली, कहीं ना कहीं से ठुक जाती है, कहीं ना कहीं से मुड़ जाती है, आपको कोई चोट नहीं आती, लेकिन जब भी नुकसान होता है तो गाड़ी की सुंदरता का नुकसान होता है। एक तो ये सिम्टम्स होते हैं। दूसरे बेटा सिम्टम्स है वो बड़े खतरनाक वाले हैं और वो है मंगल के। मंगल जब भी एक्सीडेंट करवाता है वो हमेशा तेज स्पीड पे बहुत भारी एक्सीडेंट करवा करके बेटा शरीर के अंग को बिल्कुल फाड़ के बहुत सारा खून बहाता है। इनके सिम्टम्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनको पहचाना कैसे जा सकता है मैं तुम्हें बताता हूं। अगर भाई के साथ लड़ाई हो, यार दोस्तों के साथ लड़ाई हो, या दोस्त की तरक्की के प्रति जेलस अपने मन में बहुत ज्यादा अगर बढ़ती चली गई और उसके कारण मन दुखी रहता हो तो समझ लो मंगलदेव एक्सीडेंट करवाने के ऊपर आ रहे हैं। अगर इस तरह के हालात हो बेटा तब आपको तला हुआ खाना यानी कि हलवा पूरी वगैरह का दान करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएगा और इसके अंदर हनुमान जी को सिंदूर का चोला यानी कि हनुमान जी वाला सिंदूर लेकर उसमें चमेली का तेल मिक्स करके उनको हर मंगलवार को अर्पित करना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना एक्सीडेंट के योग संभव हो सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी को ही सिर्फ नुकसान होता है तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर मां आए दिन बीमार रहने लगे, उसकी आंखों में दिक्कत आने लगे, उनके कमर पांव के हिस्से में अचानक कोई समस्या आगे ऐसे आकर के खड़ी हो जाए कि लगातार 15-20 दिन इलाज करने लगो, समझ लो गाड़ी का एक्सीडेंट होकर के गाड़ी को नुकसान होगा, आपको कुछ नहीं होगा। और उसको भी टाला जा सकता है और उसको टालने का तरीका है कि आप हर सोमवार को 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल लेकर के गरीबों में बांटे और साथ ही सांझ के वक्त में तिल के तेल का दिया मंदिर में जाकर के जरूर चलाए। बेटा ये अगर उपाय करते हो तो इस तरह के नुकसानों से आप बच सकते। आज हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट की। कहीं आपकी कुंडली में ऐसे दोष तो नहीं है जो आपका एक्सीडेंट करवा सकते हैं? उसके उपाय आप क्या कर सकते हैं? गाड़ी लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी, कुंडली में तो कुछ दोष होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या गाड़ियों में भी कुछ दोष होते हैं जो हमें एक्सीडेंट की वहां तक ले आते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है बेटा। कई तो लोहा ही ऐसा होता है बेटा कि जो बड़ा मनहूस साबित होता है, तो उसका तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि जैसे ही खरीदा वैसे ही नुकसान के हालात, एकदम बड़ी बड़ी खराबियां, अपने जीवन के अंदर क्लेश भी आ जाता है, काम धंधे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और कईयों की सेहत और स्वभाव के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा लोहा आए तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसके लिए कभी भी बेचने में देर मत करो चाहे कितना भी नुकसान हो। ठीक है, दूसरा, आप कुंडली देखना तो नहीं जानते लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पर सिम्टम्स ऐसे बता सकता हूं कि जो कलर का ध्यान बहुत रखा जाता है वो क्या है। अगर भाई के साथ नहीं बनती या भाई नकारा है, वो कोई काम नहीं कर रहा और बहुत समझाने के ऊपर भी वो कॉमन सेंस को पूरी तरह से समझता नहीं, तो बेटा ऐसे में अगर आप लाल रंग की गाड़ी का इस्तेमाल करते हो या डार्क ब्राउन कलर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए वो शुभ नहीं रहेगा। और अगर मां को लगातार दिक्कतें आ रही हैं, मां लगातार ही बीमार रहती है, आपके साथ भी उसकी लड़ाई चलती रहती है और धन के लिए घर के अंदर अक्सर कमियां खड़ी ही रहती हैं, ऐसे में सफेद रंग की गाड़ी आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगी, उसके अंदर आपको दिक्कतें झेलने को मिलेगी। और अगर पत्नी को कोई हड्डियों से संबंधित या गुप्तांग से संबंधित किसी प्रकार की बड़ी बीमारियां हैं या आपकी पत्नी के साथ में कभी नहीं बनती, आप लड़के ही घर से निकलते हैं, तो बेटा सिल्वर कलर की गाड़ी आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगी। और अगर रिश्तेदारों के साथ आपके बिगाड़ खाते हैं, खासतौर पे पिता की तरफ की रिश्तेदारी के साथ में आपके बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, आपको शादी विवाह में जाने के लिए भी झिझक होती है, जब भी कोई पार्टी का नाम ले उस वक्त में आपको एकदम से उतावलापन सा बनता है और आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में काले रंग की गाड़ी का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही घातक होगा। ये बिल्कुल आसान सिम्टम्स आपको मैं समझाए हैं, इनके आधार पर अगर आप गाड़ी का कलर चूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो आज हम गुरुदेव से जान रहे हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से आप अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। गाड़ी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर भी बैठे होंगे जिससे कि आप लक्षण और उपाय नोट कर सके। गुरु जी, अब बात कर लेते हैं, अगर जिनके पास गाड़ी है वो लोग फोटो लगाते हैं, अपने गुरु की लगाते हैं, भगवान की लगाते हैं तरह तरह के, तो आपके हिसाब से कौन सी मूर्ति उनको लगानी चाहिए कार में जिससे वो इस तरह की अनहोनी से बच सके?
बेटा सबसे पहले ये मैं बता दूं, जो तुमने बात कही है भगवान की मूर्ति या तस्वीर उनकी, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला बेटा, इसका ग्रहों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। जिस भी देवी देवता को गुरु को देख करके आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पे आशीर्वाद बना के रखेंगे, आप तस्वीर तो उन्हीं की लगाइए, ये सबसे बढ़िया बेटा। लेकिन हाँ मैं दूसरा उपाय आपको बता सकता हूँ, जब भी आप गाड़ी कोई भी नहीं लें, उस वक्त में आप पूजा जब पंडित जी के पास जाके करवाते हैं, उस वक्त में जो मौली है, मौली हमेशा स्टेयरिंग को बंधवाएं, ठीक है। मौली का स्टेयरिंग पे बांधना ये बहुत ही शुभ संकेत है और ऑलवेज परमात्मा आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आपके हाथ में ही होता है। दूसरा, अगर आपको आए दिन कोई ना कोई मुसीबत ऐसी पड़ी रहती है कि कोई शारीरिक कष्ट बनता है, या काम पे निकलते हुए डिले होता है, या फिर बने बनाए काम खराब हो रहे हैं, या छोटे छोटा एक्सीडेंट आए दिन होने लग गया है कि कभी छोटी सी स्क्रैच यहां आ गई, कभी यहां आ गई, तो बेटा तब आपको ध्यान जरूर रखना है। ऐसे में मंगल और शनि दोनों को गाड़ी के अंदर आप स्थापित कर लीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और वो कैसे, थोड़े से साबुत बादाम जो तोड़ के खाए जाते हैं, वो साबुत बादाम जो है खोल सहित वो, और थोड़े से छुआरे, इनको लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध के बेटा अपनी गाड़ी के अंदर रख दो। जब मंगल और शनि दोनों इकट्ठे रख के स्थापित कर दिए जाते हैं बेटा, तब राहु अच्छा होता है, जब राहु अच्छा होता है तो बेटा एक्सीडेंट ये कभी नहीं होने देता, ठीक है। इसलिए बादाम और छुआरे लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखो, एक्सीडेंट से बचाव रहेगा। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली है, उससे पहले लक्षण क्या है उनको पहचानिए और उसका सही उपाय करिए। गुरुदेव अब बात कर लेते हैं नंबर्स की, गाड़ी लेते हैं नंबर लगवाते हैं, तो नंबर का भी कोई ऐसा योग होता है या फिर हमारे ऊपर वो फायदा देते हैं नंबर, नुकसान करते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, ऐसा भी कोई योग है? बिल्कुल है बेटा। तुम देखो कि इस दुनिया के अंदर जब भी कभी भी कोई बड़े बड़े भूकंप आए हैं, भूचाल आया है, तूफान आए हैं, बाढ़े आई हैं, वो कब आई हैं, वो जिसका टोटल 8 बनता है, यानी कि 26 तारीख होती है, या टोटल 8 किसी भी तरह से बनता हो, उन तारीखों के ऊपर हमेशा ये प्राकृतिक बड़ी आपदाएं आती है बेटा। आप इंटरनेट सर्च करके देख सकते हो बेटा, ठीक है। ये 8 नंबर इतना घातक है कि सही मायने में 8 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, समझे। और ये जिसको सूट भी कर रहा हो उसको भी नहीं लेनी चाहिए, समझे। और जिसका टोटल मिलकर के जैसे 26 नंबर है, ठीक है, उसका 2 और जमा 6 ये 8 बनता है टोटल, 8 नंबर की गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए। बाकी के नंबर आपको अपनी जन्म कुंडली बनवा के बेटा उसके अंदर लिखा होता है कि कौन से नंबर आपको सूट करते हैं, उन नंबरों की ही सिर्फ आप गाड़ी ले तो ज्यादा उत्तम होगा। आप इतना बड़ा खर्चा करने लगे हो बेटा, ये अपना लकी नंबर निकालने के लिए अगर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ जाए तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं, ये बहुत फायदे का सौदा है। एक बार लकी नंबर आपने लिया तो इससे फर्क क्या पड़ता है आपकी फिजिक पे, आपके बिजनेस पे, आपके घरेलू रिश्तों पे, आपके समाज के अंदर बनने वाले संबंधों पे, ठीक है। जैसे जिन लोगों के मार्केटिंग के काम है, जिनका रोज घूम घूम करके पैसा इकट्ठा करने का काम है, अगर बेटा वो 6 नंबर टोटल की गाड़ी लेते हैं, यानी कि जैसे कि 1113 नंबर है, ठीक है, तो एक एक 3 बार आया तो 3 ये और 3 वो, इनको आपस में मिलाया तो 6 बन गया, तो टोटल 6 नंबर की गाड़ी मार्केटिंग वालों को बेहद सूट करती है, जिन्होंने घूम घूम करके पैसे कमाने होते हैं, कुछ बेचना होता है। इसी तरह से बेटा आपका किस्मत जिस तरफ आपको लेके गई है उसी का एक लकी नंबर बनता है, वो आप अपनी जन्म कुंडली से निकाल के बेटा उसी नंबर की गाड़ी लो, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो गुरुजी ने हमें बताया कि आप अपने लकी नंबर के हिसाब से अगर गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का नंबर लेते हैं, तो वो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप अनलकी नंबर की गाड़ी लेते हैं तो वो आपके लिए अशुभ भी हो सकती है। और उपाय आप क्या कर सकते हैं गुरुदेव, रंग की बात कर लेते हैं। गाड़ी लेते समय हमें लगता है कि अच्छा ये वाली गाड़ी है, इस पे तो ये रंग बहुत फेमस है, ये रंग लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो लोग देखा देखी गाड़ी खरीद लेते हैं गाड़ी के हिसाब से किस रंग का। तो रंग भी हमारी जिंदगी पे इफेक्ट डालता है, हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है बेटा। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी ये बता के आता हूँ। रंग बेटा अल्टीमेटली क्या है, सूरज से जो रोशनी आती है उसके अंदर सारे रंग होते हैं,
और जो रंग धरती पे जिस भी चीज का है वो सूरज से सिर्फ उसी रंग को एब्जॉर्ब करता है और उसी की ताकत को वो बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए जिनका मंगल खराब है बेटा, अगर वो लाल रंग की गाड़ी लेंगे तो जरूर जोश के अंदर आकर के गाड़ी तेज चला करके एक्सीडेंट के हालात बनेंगे। और जिनका शनि खराब है, अगर वो काली या ग्रे कलर की किसी तरह की कोई गाड़ी लेते हैं तो बेटा उसके अंदर मुसीबत आनी आनी है, राह चलते लड़ाई भी हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जिनके शुक्र बहुत खराब है, वो ग्रे कलर की जितनी गाड़ी लेकर के चलाएंगे बेटा, उनका पत्नी के साथ भी उतने ही हालात होंगे, उनको फिजिकल वीकनेस भी आएगी, वैवाहिक सुख भी नहीं भोग पाएंगे और एक्सीडेंट के तो बार बार छोटे छोटे योग बनेंगे लेकिन बनेंगे। और जिनका चंद्रमा खराब है, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी और पैसों के मसले में फंसे हुए हैं, समझे बेटा, उन लोगों को सफेद रंग की गाड़ी बिल्कुल सूट नहीं करती, उनके लिए आए दिन मुसीबत का कारण बनेगी। और लोगों की गाड़ी की सर्विस अगर 5,000 में होती है तो उनकी गाड़ी की सर्विस 15,000 रुपए में होगी, ये साथ में ये नुकसान देता है। तो इसीलिए बेटा रंग बहुत बड़ा महत्व रखता है। सबसे उत्तम है आप अपनी जन्म कुंडली बना करके ये जाने कि आपके कौन से ग्रह फेवरेबल है और कौन से अनफेवरेबल है, और इसके आधार पर आप अगर रंग का चयन करते हैं तो वो आपके लिए सबसे उत्तम है। नहीं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिनकी माँ को तकलीफें ज्यादा रहती है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, वो सफेद रंग का इस्तेमाल ना करें। और जिनके अपने भाइयों से यार दोस्तों से नहीं बनती, या जिनके अंदर जेलस की भावना है कि सामने वाला अगर तरक्की करता है तो उसको अंदर से जेलस फील होती है, ऐसे लोग भूल के भी लाल रंग की गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। जिनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है या पत्नी के साथ बनती ही नहीं है, वो बेटा सिल्वर रंग की गाड़ी का प्रयोग भूल के भी ना करें। जिन लोगों के मकानों के सुख और कामों के सुख आए दिन खराब रहते हैं और जिनके अपने ही पिता की तरफ की रिश्तेदारी के लोगों के साथ में बनती नहीं है बेटा, वो लोग खासतौर पे काले रंग की गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जी। तो सबसे उत्तम बात तो यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाओ और उसके अंदर आप देखिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे उत्तम है, और जो भी वो उत्तम ग्रह है उससे संबंधित जो रंग है वही रंग आप अपनी गाड़ी का ले तो आपको बहुत अच्छा रहे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा है अजमेर से जी। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। मेरी जन्म तिथि है 13 मई 1959। जन्म समय 6:55 AM पर सुबह का है जी, और बिलवाड़ा में शाहपुरा है, वहाँ का हमारा जन्म है सर जी। क्या जानना चाहते हैं जी? सर जानना ये चाह रहा हूँ कि 25 मार्च 2017 को मैं जो षड्यंत्र करके मेरे ACB में फंसाया गया है, मैं जिला रसद अधिकारी था वहाँ पर नागौर में, और ये मेरे ऊपर एक केस लग गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस केस में मेरे को आगे क्या रिलीफ मिलेगी, क्या रहेगा। क्या आप अभी मकान बना के हटे हैं या कुछ रिपेयर करवाया था आपने? नहीं सर, मकान तो अभी नहीं बनाया सर मैंने। ये पिछले 2-2.5 साल में आपने मकान बनवाया या रिपेयर किया? 2.5 साल में करीब यहाँ बनाया था सर, एक ऊपर कमरे बनाए थे दो। ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और राहु का मेल है, जिसका कि इस वक्त के अंदर प्रबल समय आया है, और मकान बनने के ठीक 3 साल के अंदर अंदर ये कोई ना कोई इंसान को बड़ी चोट मारता ही है, और कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कहीं पर भी ये धक्के खिलाता है। इस वक्त मन ही मन के अंदर तुम्हारे डर को बिल्कुल ये बढ़ा देगा, और ये खास तौर पे तुम्हारे परिवार के अंदर जो भाइयों के सुख है, समृद्धि के सुख है और जायदाद के सुख है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ ये अटैक मारेगा बेटा। इसके लिए तुम्हें अभी उपाय कर देना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत आगे बहुत बड़ी हो जाएगी। और वो उपाय है, सबसे पहले जो तुम्हारे घर की मेन एंट्रेंस है बेटा, मेन जो दरवाजा है, वो जितने फुट का भी हो, 3 फुट 4 फुट, इतना लंबा चौड़ा, आधे इंच चौड़ा चांदी का पत्रा तुम्हें दरवाजे के ऊपर लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला उपाय ये। दूसरा बेटा, 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको तुम जल प्रवाह कर दो, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के जरूर नहाओ, और हर शनिवार को बेटा 1 वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो। ये कच्चे कोयले वाला उपाय तुम्हें सबसे पहले कर देना चाहिए। ये उपाय करने के बाद परमात्मा की दया से इस बुराई से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद इज्जत पहले जैसी और बहुत अच्छे हालात तक पहुंचने वाली बनेगी। खुश शहजादा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि अगर शुभ गाड़ी आप लेना चाहते हैं या गाड़ी आपको शुभ लाभ दे,
उससे जुड़े खास गुरु मंत्र क्या है। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में, और आज हम बात कर रहे हैं आपका गुड लक बढ़ाने वाली गाड़ी की। तो आज के शो में गुरुदेव हमको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको पहचान कर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है। गाड़ी का नंबर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, गाड़ी का रंग आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से लक्षण हैं, उनके क्या उपाय हैं। गुरुदेव अब बात कर लेते हैं पार्किंग की। मेट्रो सिटीज में तो आपने देखा ही है कि सबकी पार्किंग अलॉट होती है और पार्किंग की जगह कम होती है, उसके पीछे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो पार्किंग की भी सही दिशा और गलत दिशा होती है? हाँ बेटा, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इतना कुछ आपको मैं सिखाऊंगा तो आपका अपना ही ज्ञान जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाएगा, ये चीज रहेगी। बेटा दिशाएं हर इंसान के लिए हर दिशा नहीं होती। जिसका मंगल खराब है बेटा, उसके लिए सौ दिशा वो ठीक नहीं है। यानी कि अगर हमारे सामने की तरफ में जिस तरफ हम जा रहे हैं या जिस तरफ गाड़ी खड़ी करके सामने मुंह कर रहे हैं बेटा, उनके लिए सौ दिशा ठीक नहीं है जिनका मंगल खराब रहता है। यानी कि भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ जिसकी नहीं बनती और जिनके यहाँ शादियां लेट होती हैं और घर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, उन लोगों को सौ दिशा की तरफ मुंह करके गाड़ी ना खड़ी करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों की अपने पिता की तरफ की रिश्तेदारी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और उनके अपने अंदर भी चिड़चिड़ापन बहुत रहता है और खासतौर पर आंखों के अंदर उनकी दिक्कत रहती है, ऐसे लोग अगर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके गाड़ी ना खड़ी करें तो उनके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। और जिनको लोगों को जुकाम की, साइनस की दिक्कत रहती है, भूलने की बीमारी है, जिन्होंने अपने दादा दादी को कभी नहीं देखा और जिनके पैसा तो कमाते लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बचता नहीं है घर में, वो अगर उत्तर दिशा की तरफ में मुंह करके गाड़ी को पार्क नहीं करते तो ये उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा बेटा। और जिन लोगों को पिता के सुख में दिक्कत रही है, जिनके मुंह में पानी बहुत आता है, जिनको आए दिन छोटे छोटे रोग लगे रहते हैं कोई ना कोई, और जिनका मॉरल कभी नहीं उठ पाता, बहुत जल्दी जो डर जाते हैं, ऐसे लोग पूर्व दिशा की तरफ गाड़ी का मुंह करके ना खड़ा करेंगे तो उनके लिए ज्यादा उत्तम। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव एक्सीडेंट की। तो हमने देखा है कि गाड़ी की वजह से बेवजह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सड़क पर लोग मारपीट पर आ जाते हैं, जान से हाथ तक धोना पड़ता है। बिल्कुल, इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल सही कहा तुमने, उसका कारण है आज की डेट में शहरों के अंदर ये जो फैला हुआ धुआं और गर्मी और बहुत ज्यादा गंदगी के कारण नई नई तरह की स्मेल का आना और नई नई तरह के जीव का और बीमारियों का पनपना, ये जितना कुछ भी है बेटा ये हमारे अंदर की सहन शक्ति को टोटली खत्म करता जा रहा है, जिसके कारण अगर पीछे से कोई थोड़ा सा हॉर्न भी मार दे तो इंसान को चिड़चिड़ापन मचता है और वो गाली निकाल के बात करता है। जरा सा कोई सामने आ जाए तो इंसान लड़ने की फिराक में रहता है और गाड़ी को जरा सा टच कर दे तो उसका दिल करता है कि मैं मार दूं इसे। ये वाले हालात बहुत ही ज्यादा घातक हो चुके हैं, जिसके अंदर की बेटा आपके अपने शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है और दूसरे के भी, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है, और दोनों ही तो किसी न किसी माँ के पुत्र हैं बेटा, समझे? और ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे बचने के लिए ही मैं बोलता हूं कि सुबह सवेरे जल्दी उठ करके घर के अंदर सबसे पहले धूप बत्ती जलाओ, और सुबह के वक्त में जो भी तुम नाश्ता करते हो, खाना करते हो, चाहे उसमें बेटा कुछ मीठे का प्रयोग जरूर करो, चाहे शहद हो और चाहे दही हो, चाहे साथ में शक्कर वाला दही हो, सबसे उत्तम बेटा। और अगर वो भी नहीं कर सके, आप जल्दबाजी में निकलने लगे हो, तो थोड़ा सा गुड़ लो और गुड़ लेकर के खूब सारा वो खा के और साथ में फौरन थोड़ा सा पानी पी लो उसके साथ में। ये करके आप निकलोगे, आपके शरीर को ताकत मिलेगी, आपका दिमाग बिल्कुल संजीदा होकर के खुला रहेगा और उसके अंदर माफ करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, सही शक्ति को बढ़ाएगा और खुशी खुशी आप अपने गंतव्य तक जाकर के वापस आएंगे बेटा। ये बहुत ही उत्तम हालात ये देता है गुड़ खाना। तो घर से निकलते वक्त गुड़ खा के जाओगे तो रोड के ऊपर लड़ाई आपकी कभी नहीं होगी। तो गुरुदेव हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट ना हो, अनहोनी ना हो, उसके लिए हम क्या सावधानियां बरते हो, उपाय करें? नहीं बेटा, इसके साथ तो परमात्मा के साथ सलाह करके वो जोग बिताना पड़ेगा, वो तो संभव नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर मैंने इतनी तरह के हालात बताए हैं बेटा, अगर घर में नालियां रुकने लगी गई, अगर घर से निकलते वक्त में सामने लकड़ियां रोज मिलने लगी ही गई, ठीक है, और इसी के अंदर अगर घर के अंदर गंदगी के हालात और आए दिन लड़ाई झगड़ा और बीमारियां आने लगी गई, और घर में अगर कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन चल रही है और उस दौरान छोटे छोटे अटपटे काम अगर खराब हो रहे हैं, तो बेटा ये कभी भी ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं।
समझे ना, हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये सिम्टम्स को पहचान करके पहले ही उसका उपाय कर देना, बस यही एक निदान है। हम होने वाली घटना को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके हालात को जान के उनके उपाय करके अपने लिए एक सुखद हालात जरूर खड़े कर सकते हैं, ताकि जिसके अंदर हमें नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा गुरुदेव, किसी ऐसा होता है अक्सर, कभी छोटी मोटी चोट लगती है, कभी बार बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, घर से निकले पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी ठुक गई, कभी हमें खरोच लग गई, तो जिनके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह के दोष होते हैं जिस वजह से उनको ये परेशानी? बेटा सबसे उत्तम यही है इन लोगों के लिए, इन लोगों का चंद्र और केतु का मेल होता है, जो कुछ बड़ा भी नहीं खराब होने देता और छोटा छोटा रोज रखता है और मन को संताप चढ़ाई रखता है। इसके लिए सबसे उत्तम है बेटा, सोमवार के दिन आप थोड़ा सा दूध लेकर के वो मंदिर के अंदर दे या जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, और आप बुधवार को या बृहस्पतिवार, सबसे उत्तम है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के दिन आप काले सफेद तिल लेकर के 200 ग्राम वो 200 ग्राम वो लेकर के ये आप किसी गरीब को दान दे या जल प्रवाह करें, और तिल के तेल का दिया ये बना करके पीपल के नीचे सांझ के समय ये जलाया करें, और वो भी बृहस्पतिवार को। बेटा अगर आप ये करते हो, रोज की लगने वाली छोटी छोटी खरोचे और रोज ये मन को चढ़ने वाला संताप अपने आप दूर जाएगा और हर तरह के सुख की अनुभूति करेगी। गुरुजी आज हम बात एक्सीडेंट की कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम तो अच्छे से चलाते हैं गाड़ी, सावधानी सारी बरतते हैं और उपाय भी ऐसे करते ही रहते हैं कि हमको कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अगर सामने वाले के ग्रह खराब है, उसने हमारी गाड़ी आके ठोक दी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, उससे हम कैसे बच सकते हैं? बेटा तुमने सवाल तो बिल्कुल वाजिब किया है, लेकिन बात एक सच है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसके अंदर आकर के ये वाकई में हालात है कि अगर एक्सीडेंट के ग्रह के योग अपने नहीं तो सामने वाले के चलते हैं, समझे? ऐसे में मैंने जो गाड़ी के अंदर आपको बादाम और छुआरे रखने वाली बात कही कि आप थोड़े से बादाम और थोड़े छुआरे लेकर के लाल कपड़े में लपेट के अपनी गाड़ी में रखें, ये मंगल और शनि दोनों की इकट्ठी वस्तु है और इन दोनों के मिल जाने से उसका राहु बनता है बेटा, और ये बना हुआ राहु बेटा आपको अचानक आई हुई बड़ी मुसीबतों से बचाने का काम करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सामने वाले के ग्रह खराब हो सकते हो, और सामने वाले के ग्रह खराब हो तो उसको कोई भी जगह चाहिए मारने के लिए, तो ये हो जाता है बेटा। तो ये करो बेटा, और ऐसे एक आध हालात उत्पन्न होने पर ही एक काम जरूर करें कि उस दिन आप ठान लें कि आज मैं 10-15 कुत्तों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि अगर एक बार आप मुसीबत का चारा बने हैं तो ऐसे में पॉसिबल है कि पहले 3 महीने के अंदर 2 या 3 बार फिर आपके साथ में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो ऐसे में आप 8-10 कुत्तों को खाना खिलाओ और रोज 1-2 कुत्तों को कुछ ना कुछ जाते हुए आप डाल के चलो, केतु को उचका करके चलो, इन बेकार की मुसीबतों से आपके सदा ही बचाव होंगे। गुरु जी आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं गाड़ी चलाने से, और माँ बाप रोकते भी नहीं है, छोटी उम्र में ही गाड़ी दे देते हैं, लेकिन माँ की हालत बहुत खराब रहती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं चाहे कॉलेज जा रहे हैं, तो माँ ऐसे क्या उपाय कर सकती है कि उनके बच्चे एक्सीडेंट से बच सके? बेटा देखो, बढ़ती उम्र के अंदर बच्चों की ठीक है, उनका शौक होता है, माहौल भी ऐसा चल रहा है कि जिसके प्रति अट्रैक्शन के अंदर ये सब कुछ बनता है, लेकिन यहाँ पर माओ को चाहिए कि इनको बुरे ग्रहों से बचा के रखे, पापी ग्रहों से बचा के रखे। पापी ग्रहों से बचाने का एक बहुत ही सुंदर नुस्खा मैं आपको बताता हूँ बेटा। बच्चा चाहे कुछ भी कहे बेटा, उसको तुमने केसर वाला दूध पिलाना ही पिलाना है, सोमवार को और बृहस्पतिवार, ठीक है? दूसरा कोशिश ये करनी है कि उसके कपड़ों के अंदर नीला यानी कि डार्क नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ये अगर उसके कपड़ों में ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और खास तौर पे जब वो ड्राइविंग पे जा रहा है तो उसके साथ शर्त यही रख दो कि अगर तुमने काला रंग अगर तुमने पहना है या नीला रंग तुमने पहना तो मैं तुम्हें ड्राइविंग नहीं करने दूंगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में जब फिजिक ग्रो कर रही होती है बेटा, उस वक्त हमारा ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी ये पापी ग्रहों के कलर को अडॉप्ट करता है, और उसके बाद में ये एकदम से छा करके बच्चे के अंदर रियलिटी में उसकी बुद्धि को बंद करने का काम भी करता है, जिसमें अच्छे बुरे की समझ को ये खो देता है। तो इसीलिए काले नीले रंग से परहेज करें, सोमवार और बृहस्पतिवार को केसर का दूध पिलाएं, और बच्चे को हमेशा घर से निकलने से पहले एक आदत डाल दें कि थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के निकलना है। इस तरह से माँ अपने बच्चों की सुरक्षा में
बहुत बड़ा सहयोग। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन चौहान हैं दिल्ली से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1986 जी, और टाइम है 5:50 AM मॉर्निंग जी। समय स्थान भोपाल MP जी। क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था अभी मेरी जो राशि में जो है वो 7:30 ही चल रहा है शनि का, और ये लास्ट स्टेज पे आई थिंक इसका अभी 2.5 समथिंग ईयर बचा हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा था कि इसका भी मेरी राशि पर इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। अगर नेगेटिव पड़ेंगे तो मुझे क्या करना होगा? बेटा पहले ये बताओ तुम डबल माइंडेड कितने रहते हो और चिड़चिड़े कितने रहते हो? डबल माइंडेड तो मतलब डबल माइंडेड हमेशा ही चलता रहता मेरा, कुछ सालों तक तो यही चल रहा कि। और चिड़चिड़े कितने रहते हो? चिड़चिड़े तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। और तुम्हें काफी धन की कमी आड़े आती रही है? हाँ हाँ। एक्चुअली बेटा तुम्हारे कुंडली के अंदर एक योग है जो बहुत ही कमजोर है, इसे बोलते हैं कि घर में संदूकची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी, यानी कि दिखावे में दुनिया को जीवन बहुत बढ़िया अच्छा, लेकिन अंदर धन की कमियां तुम्हें बहुत सताएंगी। ये योग बेटा सही मायने में 60 सती के अंदर प्रबल रहता है, लेकिन शनि तुम्हारा उच्च का होने के कारण ये तुम्हें बहुत ज्यादा दुख नहीं देगा, ठीक है? लेकिन जीवन के अंदर अक्सर ये धन की कमियां करेगा, और खास तौर पर जब तुम शराब और मांस का प्रयोग करना शुरू कर दोगे फिर तो ये तुम्हारा हाल खराब करके रख देगा बेटा। और इस योग के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बच्चा अच्छे काम पे भी होता है लेकिन अचानक डिप्रेशन में आता है और अपने कामकाज को छोड़ के बैठ जाता है। ये वाली प्रॉब्लम भी जीवन के अंदर एक दो बार बड़ी ही घातक आती है बेटा, और इसका तुम्हें इलाज जरूर करके चलना चाहिए, मैं इसका इलाज बताऊंगा। और अगर तुम साउथ फेसिंग घर के अंदर रहे तो तुम्हारे घर में कलेश और बीमारी दोनों रहेंगी, और तुम्हारे ससुराल के साथ तुम्हारे हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है? अब इन दोनों का इलाज बेटा, सबसे पहले ये 60 सती का भी इलाज है और तुम्हारे पास धन की कमी ना रहे उसका भी इलाज है, और वो इलाज है 43 दिन लगातार 60 ग्राम लाल फिटकरी। फिटकरी दो तरह की, एक सफेद और एक लाल रंग की होती है। लाल रंग की फिटकरी लेकर के तुम्हें जमीन के अंदर दबानी है घास वाली जमीन में, और हर साल जन्मदिन के बाद 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के तुम्हें जल प्रवाह करने हैं, और साथ ही 7 पीली रत्ती सोने का चकोर टुकड़ा 1-2 ग्राम का बनवा के पीले कपड़े में इसके सिलाई करके हमेशा अपनी जेब में रखना बेटा। ये 3 उपाय कर लो, 60 सती भी अच्छी, तुम्हारा काम भी अच्छा, धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी, और ससुराल का सुख भी संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हमारे शो का नाम ही है गुरु मंत्र, इसीलिए गुरु जी भी अंत में अपने दर्शकों को एक ऐसा गुरु मंत्र देके जाते हैं जिससे उनकी परेशानियां और ज्यादा आसान हो जाती हैं। गुरु जी आज दुर्घटना की बात हो रही है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो आज आपका गुरु मंत्र क्या है हमारे दर्शकों के लिए? बेटा आज का गुरु मंत्र आपकी गाड़ी से ही रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जिन लोगों के राहु खराब है या किसी तरह वर्ष फल के अंदर खराब आ गए या गोचर के अंदर घूमते खराब आ गए, ऐसे में गाड़ी के अंदर की अवस्था बहुत मायने रखती है। अगर बेटा आपकी गाड़ी के अंदर भी सीलन की स्मेल आ रही है या रात को आपने डिक्की में कुछ ऐसे सामान रख दिए जिसके कारण कि उसके अंदर स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, या कई बार इंसान को खुद ही सिगरेट वगैरह का ऐब होता है और उसके कारण भी रात को गाड़ी बंद करके चले गए और उसके हालात है, तो ऐसे में जो राहु की एनर्जी है वो गाड़ी के अंदर भरपूर होती है। हमेशा ऐसे लोगों को घर से निकलते वक्त सबसे पहले 2-4 मिनट के लिए गाड़ी की डिक्की, गाड़ी के दरवाजे सब खोल देने चाहिए। एक रूम रिफ्रेशनर जो होता है बेटा वो जरूर रखना चाहिए, वो उसके अंदर फेंके और सबसे पहले परमात्मा का नाम लेकर के गाड़ी को स्टार्ट करें तो ये बहुत होता है। अब आप कहोगे परमात्मा का नाम क्या कर देगा? ये सच बात है बेटा, परमात्मा का नाम इस दुनिया के अंदर कंसंट्रेशन के लिए बनाया गया है, एक पॉजिटिव सोच को मन में लाने के लिए बनाया गया है, और जब आप परमात्मा का सिर्फ नाम ही लेते हैं तो आपकी कॉन्शियस आपको वाकई में अंदर से सजग कर देती है, अलर्ट कर देती है कि कोई भी खतरा आपके पास आ सकता है लेकिन परमात्मा आपके साथ है, तो इसके कारण ये सोच दिमाग में आने के कारण कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और गाड़ी के अंदर रुकी हुई
जो रात की बेकार की हवा उसको निकालने के बाद अगर आप बैठते हैं तो बेटा आपका दिमाग खुला रहेगा, अगर उसी हवा में चले गए तो बेटा ये आपके दिमाग को सुला भी सकती है, जिसके कारण कोई भी बुरा समय आपके सामने आ सकता है। तो मेरी यही सलाह बेटा कि गाड़ी को बिल्कुल फ्रेश एयर का बना करके परमात्मा का नाम लेकर के घर से निकले, आपके लिए सदा ही उत्तम हालात। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।